हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे व्रत वाले कूटू के आटे के दही बड़े। मैंने लिया है ये कूटू की मिंगी साफ की हुई, और मार्केट में ये साबुत कूटू भी आता है। ये मिंगी ली है साफ की हुई, अब इसको हम पीस लेंगे और जितना ज़रूरत पड़ेगी उतनी हम कूटू के आटे को यूज कर लेंगे। मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसको हमको बारीक पीसना है, दाना नहीं रहे, नहीं तो हमारे दही बड़े अच्छे नहीं बनेंगे। ये बिल्कुल बारीक होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बारीक पीस गया है कूटू का आटा। मार्केट का आटा काफी आता भी है, तो इसलिए मैं घर पर ये आटा आप घर पर ही पीस सकते हैं। एक कटोरी ले लिया है कूटू का आटा, एक बाउल में एड करके फ्रेंड्स, इसमें हमने एक बाउल ले लिया है और इसमें हमने कूटू का आटा एक कटोरी ऐड कर लिया है, और आधा चम्मच इसमें ऐड किया है सेंधा नमक, और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। और यहाँ पर फ्रेंड्स लिए हमने ये चार बाउल किए हुए आलू को छील लिया है, अब इनको भी हम ऐड कर देंगे इसमें। यहाँ पर लिया है फ्रेंड्स एक गिलास पानी, हम मिक्स करेंगे सभी को। कूटू के आटे के दही बड़े काफ़ी अच्छे लगते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे, और सभी आलुओं को भी हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, और इसको थोड़ा सा हम फेंट लेंगे इस तरह से। हमारा ये तैयार है, तो इसको सेट होने के लिए हम रख देंगे 2 से 3 मिनट तक। अगर आप पर टाइम नहीं है तो आप हैंड टू हैंड भी इसको बना सकते हैं फ्रेंड्स। तब तक हमारा ये सेट हो रहा है, तब तक दही बड़े का दही को भी तैयार कर लेते हैं। मैंने एक ले लिया है बाउल, और इसमें अब डाल देंगे दही, फेंट लेंगे थोड़ा। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। ये हो गया हमारा दही तैयार। तो चलिए फ्रेंड्स, अब 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो हमारा ये भी सेट हो गया है। तो अब हम बना लेते हैं दही बड़े। इसको ऑन कर देते हैं, और कढ़ाई भी ऐड कर दी है, ऑयल भी इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने यूज किया है रिफाइंड ऑयल, भी हो चुका है गरम। डालेंगे हम ये दही बड़े। गरम ऑयल इनके ऊपर डालेंगे, इसका फ्लेम रखेंगे हम मीडियम, और ये थोड़ा सा नीचे से सिक जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे, तो अब इनको हम पलट देंगे धीमी धीमी आंच पर ही फ्राई करेंगे। हमारे ऊपर से सिक जाएंगे और अंदर से ये कच्चे भी रह सकते हैं, ताकि हमारे दही बड़े काफ़ी क्रिस्पी और कुरकुरे बने। देखिए काफ़ी अच्छी हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकालेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। और सभी को फ्रेंड इसी तरह से हम बनाएंगे। इनको भी पलट दिया है और ये काफ़ी क्रिस्पी बनने हैं, देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, अंदर तक हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसको भी हम निकाल लेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारे सारे दही बड़े बनकर तैयार हो गए हैं, तो अब इसको हम दही में ऐड कर देंगे। ऊपर से दही ऐड करेंगे, इनके ऊपर हम सेंधा नमक ऐड करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। मिर्च का पाउडर, इनको हम 4 से 5 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, हमारे ये दही बड़े अच्छी तरह से फूल जाएं, फिर हम इनको सर्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे सारे दही बड़े बनकर रेडी हैं, इनको फास्ट में कभी भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे लगते हैं, टेस्टी होते हैं ये, और हेल्थी भी हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल बटन को भी प्रेस करें, ताकि आप मेरी न्यू वीडियो सबसे पहले देख सकें। एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।